दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर चेन्नई को ना जिताने के बाद भावुक हो गए महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अपने बयान में उन्होंने अपनी टीम की बल्लेबाजों से लेकर संजू सैमसन और गेंदबाज संदीप शर्मा पर आखिरकार क्या कह दिया, आपको धोनी के बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी, जडेजा और रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 में तो हर एक मुकाबला ही अब अंतिम ओवर में जा रहा है और ऐसा ही एक और सांस रोक देने वाला मुकाबला चेन्नई और राजस्थान की टीम के बीच में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों ये मुकाबला भी अंतिम ओवर अंतिम गेंद तक चला गया और इतना ज्यादा रोमांचक था कि बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है राजस्थान की बल्लेबाजी से, ज्यादा अच्छी शुरुआत तो नहीं थी, यशस्वी जायसवाल 10 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद बटलर के 52 रन, पडिकल के 38 रन और कहीं ना कहीं अश्विन के 30 रन और हेटमायर के भी दोस्तों 18 गेंदों में 30 रन इस टीम को आगे चलकर अच्छी खासी बढ़त दे गए। हालांकि जडेजा ने दोस्तों बीच में पुल बैक दिया था जब उन्होंने पडिकल के साथ साथ सैमसन को एक ही ओवर में आउट किया, परंतु अगर किसी टीम के 175 रन स्कोर बोर्ड पर लग जाएं, दोस्तों वो लक्ष्य छोटा तो नहीं माना जाएगा। 176 का टारगेट दिया गया यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद डिवोन कॉनवे के 38 गेंदों में 50 रन, अजिंक्य रहाणे के 19 गेंदों में 31 रन, टीम को वो दे चुके थे आस जो किसी भी टीम को कोई मुकाबला जीतने के लिए चाहिए होती है। इन दोनों की तूफानी पारी दोस्तों लेकिन काफी नहीं थी इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने के लिए, और बीच में शिवम दुबे का 8 रन पर आउट होना, मोइन अली का 7 रन पर खिसक जाना और रायडू का भी 1 रन पर विकेट दे देना, ये तीनों एक ऐसे फैक्टर बने जिसके चलते प्रेशर भरपूर तरीके से महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा के कंधों पर आ चुका था। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने पुरजोर कोशिश करी, चौके और छक्कों की बारिश कर दी, जहां धोनी ने एक लंबे अरसे के बाद 17 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 32 रन लगाए, तो जड्डू भी 15 गेंद में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर पूरे 25 रन बनाकर गए। दोनों की ये पारी दोस्तों मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा चुकी थी जहां 21 रन चाहिए थे और फिर वो हुआ जिसका हर कोई इंतजार करता है। दोस्तों धोनी ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर पूरे मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया था। जीतने के लिए 3 गेंदों में 7 रन ही चाहिए थे, लेकिन जहां 2 गेंद में 12 बन गए वहां 7 क्या बड़ी बात थी, लेकिन किसे पता दोस्तों के ये 7 भी नहीं बन पाएंगे, ना तो जडेजा पर रन लगे और दोस्तों ना ही धोनी अंतिम गेंद पर 5 रन पूरे कर पाए, जिसके चलते चेन्नई की टीम 3 रन के अंतर से मैच को हार गई है। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में हारने के बाद धोनी ने संदीप शर्मा पर अपना बड़ा बयान दिया है, ये वही गेंदबाज हैं जिसके चलते मुकाबला नहीं जीत पाई चेन्नई। दोस्तों आपको बता दें कि धोनी ने कहा, मुझे लगा आज मिडिल ऑर्डर में हमारी बल्लेबाजी वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। देखिए जब आप इतना बड़ा लक्ष्य चेस कर रहे हो किसी भी मैदान में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सभी खिलाड़ियों को मिलकर आगे बढ़कर वो 20 से 30 रन बनाने होते हैं जो कि बहुत जरूरी भी होते हैं। 1 या 2 या 3 खिलाड़ियों के दम पर आप ऐसे मैचेस नहीं जीत सकते। हाँ अगर उनकी पारियां बहुत ज्यादा विशाल हैं तो कह नहीं सकते, लेकिन आज हमारी बल्लेबाजी में कमी थी और कहीं ना कहीं गेंदबाजों में भी। शुरुआती दौर में जो मोमेंटम विकेट लेने के मामले में मिला हम उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए। खैर हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। आज मुझे लगा कि वाकई में सैमसन ने बहुत अच्छी कप्तानी करी, उनका गेंदबाजी में सिलेक्शन बहुत ज्यादा उम्दा है और संदीप शर्मा ने भी जिस तरीके से अंतिम ओवर में मुझे गेंदबाजी कराई वो अनएक्सपेक्टेड था। ये जीत इन सब की है तो उन्हें मुबारक, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को गलतियां करना छोड़ना होगा तभी हम मैच जीत पाएंगे, वरना हमारे अंक भी नहीं बढ़ेंगे और नेट रन रेट भी। दोस्तों धोनी ने जहां एक तरफ अपनी टीम को लताड़ा तो दूसरी खिलाड़ियों की तारीफ भी करके गए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या चेन्नई की टीम धोनी की वजह से हारी है, हाँ या ना, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।